बनाने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले ये पत्ता गोभी जो मैंने हाफ कट की थी, और इसके छिलके उतार के मैं आपको लास्ट में इसे कट करना बता दूंगी, ओके। और एक हरी मिर्च जो हम बारीक कट कर देंगे, और इसके बाद अब मैं आपको मसाले बता देती हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो जो लगेगा मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ और क्वांटिटी भी बता रही हूँ। मेरी मेजरिंग स्पून है ये, आप मेजरिंग स्पून जो आती है प्लास्टिक की वो भी यूज़ कर सकते हो। इसमें सबसे पहले आपको सौटे के लिए चाहिए 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून सरसों, इसके बाद आप लेंगे नमक। क्वांटिटी मैं आपको दो लोगों के हिसाब से बता रही हूँ, तो हम उसी हिसाब से अभी सब्जी बना रहे हैं अपनी, ठीक है। नमक हम 1 चम्मच लेंगे, ये देखें। और इसके बाद अब हम लेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, इसके बाद हम लेंगे मिर्च जो नॉर्मल है मैंने लिए 1/2 टीस्पून, अमचूर पाउडर ये 1/2 टीस्पून, और साथ ही हम लेंगे गरम मसाला पाउडर। ये सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा कर देता है, ये भी मैंने लिए 1/2 टीस्पून। और इसके साथ ही साथ हम लेंगे सब्जी में कलर अच्छा लाने के लिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, और चाट मसाला मैंने लिए जो 1/4 टीस्पून है। और अब एक चीज़ और बची हमारी, जो सोटे करने के लिए हमें लगेगा ऑयल है, और ऑयल मैं आपको बता दे रही हूँ ये मैं अंदाज से निकाल रही हूँ जो 1 टेबल स्पून है, ठीक है। अगर आप टीस्पून में लेंगे तो ये कम से कम 3 से 3.5 चम्मच ऑयल होता है। तो आप इतना लेके हमारे सारे मसाले तैयार हैं, और इसके साथ इस हरी मिर्च को हम पहले बारीक कट कर लेंगे, और जीरा सरसों और हरी मिर्च का हम तड़का देंगे, ओके। अब मैं आपको सब्जियाँ कट करना बता देती हूँ। सबसे पहले हम हरी मिर्च को बारीक कट कर लेते हैं फटाफट, ये देखिए। इसमें जैसे आपको सुविधा हो आप ऐसे ही करें, मैं इसे फटाफट बारीक कट कर ली हूँ। और अब हम हरी मिर्च को हटाकर पत्ता गोभी को कट करेंगे। तो पत्ता गोभी को कट करने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऊपर के एक लेयर जो पत्ते के होते हैं वो आपको निकाल देना है, ठीक है। और ये पत्ता गोभी मैंने पहले से आधी कट कर रखी थी, तो इसके लिए आपको ये देखिए ये मैंने ख़राब पत्ते पहले अलग किए और अलग करके, अब आपको इसे कट करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप नॉर्मली से इस तरह से पहले डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, 2 से 3 पार्ट में जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अब ये सेकेंड पार्ट हम साइड कर देंगे, और इस पार्ट को आप फटाफट इस तरह से ये देखिए एक पास ही रखते जाइए पहले, हो गया। और अभी से ऐसे ही आप रोटेट करके ये कट कर लीजिए। पत्ता को भी कट करना बस 2 मिनट का काम है, इसमें आपको शेप की इसकी उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इसे जैसे चाहे शेप दीजिए, ये सुंदर है अपने आप में ही, ये सुंदर है, भगवान ने इसे बना के ही सुंदर भेजा है बहुत। ये देखिए अगर कोई पत्ते बड़े लगते हैं तो आप इसे इस तरह से कट कर दीजिए। मैं आपको एक बाउल में इसकी क्वांटिटी बता देती हूँ कि कितनी हो रही है, आपको अंदाजा आ जाएगा कि मैंने कितनी सब्जियाँ बनाई हैं। ये देखिए इस बाउल में जो हम जनरली मैगी बाउल यूज़ करते हैं ना कुछ खाने के लिए, इस बड़े बाउल में ये देखिए मैं 1 बाउल सब्जी बना रही हूँ जो 2 लोगों के लिए पर्याप्त होती है। अब हम इसे बाकी सब्जियों की तरह, ये मैंने ये कर लिया है कंटेनर, इसमें छलनी रखती है, इसे रख के बाकी सब्जियों की तरह वॉश कर लेंगे। मैं आपको यहाँ सिर्फ 1 पानी दिखा रही हूँ, बट इसे मैंने पहले और 2 पानी धो लिया है, ठीक है, वीडियो टाइमिंग कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 ही पानी दिखाया है आपको, ठीक है। बट आपको भी इसे कम से कम 2 से 3 पानी वॉश करना है। सूखी सब्जी आप जो भी बनाते हैं उसे अच्छी तरह से धोकर ही बनाइए। ये देखिए ये क्लीन हो गया है पूरा, ये देखिए पानी अलग हो गया और ये अलग है। अब हम इसे छौंकने के लिए चलेंगे, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है, अब हम सब्जी को फ्राई करेंगे। सब्जी को फ्राई करने के लिए ये देखिए हमने फटाफट गैस चालू की है, ठीक है, और अब मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है।
कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो कढ़ाई गर्म होते हम पहले ऑयल डाल देंगे। क्वांटिटी मैंने आपको सबकी बता दी है कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है? बस आपको ऐसे ही प्रिपेयर करते जाना है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें फटाफट हमारे सोटे वाले सामान, जीरा, ये सरसों के दाने, ठीक है, ये दोनों हमने डाल दिए इसमें। और हरी मिर्च बहुत छिटकती है, काफ़ी से दूर से डालिए, ये आपकी चेहरे पर मांगा, ठीक है। अब ये हल्के देखिए डार्क देखे हुए हैं, गोल्डन ब्राउन होते हैं, पत्ता गोभी को डाल देंगे और मीडियम फ्लेम में या लो फ्लेम में रखेंगे तो नीचे से हमारे छोटे देंगे और एक बार आप सब्जी को नीचे से चला देंगे। और नीचे और सब्जी को चलाने के बाद जो भी मसाले थे वो सब मसाले इसमें ऐड कर देंगे, नमक, हल्दी, धनिया, खटाई, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, काश्मीरी मिर्च पाउडर, चाट मसाला। और अब इन सबको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर देंगे पत्ता गोभी में। हम ये सिर्फ पत्ता गोभी बना रहे हैं, आज हमने इसमें मटर आलू कुछ भी नहीं डाला है। एक ही पत्ता गोभी को हम बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हैं, तो आज हम सिर्फ सूखी पत्ता गोभी बनाएंगे। और इसे पकाने के लिए आपको इसमें पानी यूज़ करना है जितनी क्वांटिटी होगी जिसमें हमने सब्जी ली है उसी में ही, ये देखिए जिसमें हमने सब्जी नापी थी उसका जितनी पत्ता गोभी थी उसका आधा पानी ऐड कर रही हूँ मैं। ये पत्ता गोभी मतलब 20 से 2 कप इसमें पानी ऐड करना है, घबराइए मत, ये सूखी हम करेंगे। अभी हमने पानी डाला इसे पकाने के लिए और फिर लास्ट में हम इसे सुखाकर सूखी सब्जी तैयार करेंगे। अब टेस्ट लाना है तो कुछ तो डिफरेंट करना होगा ना, तो आज हम वही प्रोसेस कर रहे हैं। और अब देखिए ये बनेगी, तब तक हम इसे ढक देते हैं, बस अब हमें इसे वेट करना है बनने का। तो जैसा कि अभी होने के बाद मैं आपको अप्रोक्स टाइमिंग बता दूंगी कि मुझे क्या लग रही है, ओके? और तब तक हम इसे मीडियम फ्लेम में पकने देते हैं, ठीक है? अगर आप एकदम हाई फ्लेम करेंगे पानी पूरा सूख जाएगा, तो आप इसे मीडियम फ्लेम में कम से कम 5 से 7 मिनट रखिएगा और अगर ज़रूरी लगता है तो बीच में चलाकर ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए मैंने इसे लगभग 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम में रखा है और पानी काफ़ी हद तक इसने एब्जॉर्ब कर लिया है और देखिए पत्ता गोभी नरम भी हो गई है। अब आपको क्या करना है, इसके टिप्स और लॉजिक दोनों ही जो आपकी सब्जी को बहुत यमी बनाएगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके फ्लेम को हाई कर देना है और ये पूरा पानी हमको सुखा देना है हाई फ्लेम में। पत्ता गोभी आपकी पक चुकी है और हमें पानी अब इसमें से ख़त्म करना है और स्वाद भी बढ़ाना है, तो अब आप इसको 1 से 2 मिनट रखेंगे और देखेंगे कि मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में पानी पूरा सूख जाएगा। तब हम इस प्रोसेस को चलने देते हैं, आप हल्का हल्का इसे चलाते रहिएगा ताकि ये नीचे से चिपके ना, ओके? और ये देखिए आप देख सकते हैं 1 मिनट हुआ है और लगभग पानी सूख चुका है, हल्का फुल्का पानी और बचा है जो हाई फ्लेम में ही फटाफट सूखते जाएगा और आप इसे पूरी सूखी सब्जी के जैसे सर्व कर सकते हैं। और इसमें मसाला हमने कितना कम यूज़ किया है और उसके बाद भी इस सब्जी का कलर कितना सुंदर है, देखिए आप खुद ही। तो आप इसी तरह कम मसालों में घर में हैवी और सिंपल खाना दोनों तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको हमेशा रिमेम्बर कराया कि अब कहीं जाने की दिक्कत नहीं है क्योंकि अब आप घर पे ही सीख सकते हैं हिमांशी यानी मुझसे कुकिंग। बहुत कम मसालों में हेल्दी खाना बनाना सीखिए, कलर भी बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और मैंने आपसे हमेशा बोला है कि कुकिंग को अपना शौक, अपना पैशन बनाइए और फिर देखिए जादू कैसा होता है। ये देखिए पूरी सब्जी सूखी हो चुकी है, पूरा पानी सूख चुका है और हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। बस बन गई ना 10 से 15 मिनट में पत्ता गोभी की सब्जी। अब आप इसे रोटी, चावल, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं
अब मैं इसे आपको फटाफट एक प्लेट में दिखा देती हूँ निकाल कर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सर्व करना भी दिखा देती हूँ, हमारी सब्जी का कलर भी दिखा देती हूँ, और आप मेरी वीडियो को बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत। फटाफट से लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, ताकि मैं आपको और भी नई नई वीडियो दिखा सकूँ, बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाना सिखा सकूँ। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, इतना अप्रिसिएट करने के लिए। और ये देखिए, ये सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है, इसे सर्व कर दिया, और देखिए ये कितनी मस्त दिख रही है, इसका कलर कितना प्यारा आया है। तो अब आप भी घर पे बना के फटाफट से ट्राई करिए, क्योंकि मैं तो यहाँ से आपको भेज नहीं सकती ना, तो आप इसे फटाफट ट्राई करिए। सेम रेसिपी रखिए, सेम क्वांटिटी रखिए, और आप फटाफट बना के देखिए और मुझे कमेंट कीजिए कि कैसा बनता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।